दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिमूव एंड रिवर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा ट्रिकी है और मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसका इन डेप्थ इंट्यूशन और अप्रोच बताऊंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को अपने से कर पाए और दूसरों से करा पाए, दूसरों को समझा भी पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गिवेन अ स्ट्रिंग एस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट। एक स्ट्रिंग दिया गया जिसका नाम एस है, जिसमें केवल लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट है। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। आपके पास आपको ये ऑपरेशन करना है। इफ द स्ट्रिंग एस कंटेन्स एनी रिपीटिंग कैरेक्टर, रिमूव द फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर एंड रिवर्स द स्ट्रिंग। अगर जो स्ट्रिंग है कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर को स्टोर करता है, मतलब कोई कैरेक्टर एक से ज्यादा बड़ा है, तो जो फर्स्ट बार जो कैरेक्टर आया है उसको रिमूव कर देना है और स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है। और फिर भी कोई 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 कैरेक्टर है जो एक से ज्यादा बड़ा है, फिर उसको रिमूव करना है, फिर उसको रिवर्स करना है, और तब तक करते जाना जब तक हर एक जो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में है एक बार नहीं हो जाता। ठीक है, और फाइनल स्ट्रिंग को रिटर्न करना। जैसे ए बी है, तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन काफी बेहतर तरीका समझाता हूँ और फिर हम लोग इंट्यूशन और अप्रोच की तरफ तो बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है? जैसे यहाँ देखो ए बी, तो यहां से सर्च करना शुरू करो। देखो ए कितना बड़ा है, तो मैं देख रहा हूँ ए एक से ज्यादा बड़ा है। जब एक से ज्यादा बड़ा है तो इसको रिमूव कर देना है और इसको क्या कर देना है, रिवर्स मतलब पलट देना है। तो बी ए बी है, पहले शुरू से है, तो अब इसको इधर से पलट देना, तो कितना हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ शुरू करना है, यहाँ से सर्च करना शुरू करना है कि बी कितना बड़ा है। तो मैं देख रहा हूँ बी एक से ज्यादा बड़ा है, बी दो बड़ा है, तो फिर इसको रिमूव कर देना है और इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, पहले ए बी है, रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, बी ए। अब मैं चेक करूंगा क्या कैरेक्टर रिपीटिंग है, नहीं है। जब रिपीटिंग नहीं है, इसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे ही हमारा एक और इनपुट है डी 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 डी, तो पहली बार में मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो डी 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 बच जाएगा, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो डी डी बच जाएगा, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो डी बच जाएगा, क्योंकि रिवर्स करूंगा तो सेम सेम ही कैरेक्टर है, डी बच जाएगा। कैसे होगा? तो जो फर्स्ट अप्रोच आपको इंटरव्यू को बताना है, इंटरव्यूअर को अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम टू सेम इस नंबर को पकड़ना है, इस कैरेक्टर को ए बी, इस कैरेक्टर को पकड़ना है, इसे पकड़ ली, इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। अगर एक से ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी है तो इसको भगा देना है, इसको भगा देना है, और जो बच जाएगा उसको रिवर्स कर देना है, तो बी ए बी हो जाएगा रिवर्स। फिर इस कैरेक्टर पर जाना है, इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है कि क्या जो बी है एक से ज्यादा बार आया है, अगर एक से ज्यादा बार आया है तो इसको भगा दो और जो नंबर बच गया इसको रिवर्स कर दो। फिर यहाँ आ जाओ, फिर इसे चेक करना है बी क्या एक से ज्यादा बार आया है। मैं देख रहा हूँ बी एक बार आया है, ए एक बार आया है, एक बार है, तो यही हम क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर देना है, एक फोर लूप लगाना है और उसके अंदर एक और फोर लूप लगाना है, और एक नंबर को चेक करना है, पहले नंबर को चेक करना है क्या एक से ज्यादा बार आया है, अगर आया है तो रिमूव कर दो, और नहीं तो रिवर्स फंक्शन लगाओ पलट दो। तो ऐसे करना है। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एक बारी फोर लूप लगेगा जैसे पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, तो ओ ऑफ एन तो उसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि ए कितना बड़ा है, फिर बी कितना बड़ा है, तो एन हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोई नहीं होना, ओ ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है भैया, कैसे होगा? तो देखो मैं आपको काफी एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे ए बी है, आपको क्या करना, सिंपली देखो ध्यान समझो, आपको क्या करना है कि एक बार आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड हमें करना पड़ रहा है, अगर एक से ज्यादा बार है तो फिर हमको इसको रिवर्स करना पड़ रहा है, मतलब एक बार मैं शुरू से चल रहा हूँ और एक बार मैं लास्ट से चल रहा हूँ, जब रिवर्स कर रहा हूँ जो लास्ट वाला है वो पहले आ जा रहा है। ध्यान से समझना है, हम क्या करेंगे इसमें, दो पॉइंटर लगा देंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लगा देंगे तो काम आसान हो जाएगा। कैसे भैया? पहले ध्यान समझो, ए बी हमारा क्वेश्चन था, हम क्या कर रहे थे, अगर इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे थे, अगर इसका फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है तो इसको रिमूव कर रहे थे और फिर इसको पलट रहे थे, तो बी ए बी बन जा रहा था, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है पहले आ जा रहा था और ये बीच में फिर ये लास्ट में, ऐसे हो रहा था। तो मैं बार बार पलटने से बेहतर मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर यहाँ मान लूंगा और एक ये मान लूंगा, मतलब जब हमको पलटना होगा तो मैं लास्ट से शुरू की तरफ जाऊंगा, और जब मुझे आगे से जाना होगा तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जाऊंगा, जब मुझे रिवर्स करना होगा, यहाँ बोल रहा है रिमूव रिवर्स, जब रिवर्स करना होगा तो मैं लास्ट से चला जाऊंगा। क्या
क्योंकि लास्ट से जा रहा हूँ तो मानो रिवर्स ही ना कर रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स करूंगा तो जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला चला जाएगा, तो मैं यहीं से ट्रैवर्स करना शुरू कर दूंगा। ये सही ना हुआ, ये ना बात सही हुआ। तो इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं इसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लूंगा कि ए कितना बड़ा है, बी कितना बड़ा है। अगर ए एक से ज़्यादा बड़ा है, अगर ए जो है ए, जैसे मैंने पहला एलिमेंट है, अगर एक से ज़्यादा बड़ा है तो मैं एक डायरेक्शन भी रख लूंगा कि अगर डायरेक्शन हमारा जीरो है तो मैं चल रहा हूँ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। अगर डायरेक्शन मेरा वन हो जाएगा तो मैं चलूंगा राइट से लेफ्ट, इतना हमने कर लिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे, जैसे मैप में हमने काउंट कर लिया फ्रीक्वेंसी को, तो ए हमारा जैसे माना एक से ज़्यादा बड़ा है, तो एक से ज़्यादा बड़ा है तो जो हमारा पहली जो हमारा पहला जो एलिमेंट है, इसको मैं क्या करूंगा किसी कैरेक्टर से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ डिलीट नहीं कर सकता, डिलीट फंक्शन तो है नहीं, तो किसी कैरेक्टर से मैं रिप्लेस कर दूंगा। जैसे लेट से मैं क्या कर दिया हूँ, इसको हैश टैग से रिप्लेस कर दिया, हमने क्या किया हैश टैग से इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, रिप्लेस कर दिया है तो अब मेरा डायरेक्शन वन हो जाएगा, क्योंकि हमारे लेफ्ट से राइट हमने काम कर लिया, अब उसको रिवर्स करना है तो राइट से लेफ्ट करेंगे, तो इधर से करेंगे अब इधर से करेंगे, अब इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, और इधर से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। मैं बी का फ्रीक्वेंसी देखूंगा मैप में कि एक से ज़्यादा बड़ा है, हाँ एक से ज़्यादा बड़ा है, जब एक से ज़्यादा बड़ा है तो बी की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, मैं बी की जगह पर भी हैश टैग रख दूंगा बी, अब जी के फिर माइनस माइनस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा फ्रीक्वेंसी को डायरेक्शन को फिर से जीरो कर दूंगा, मतलब फिर से मुझे शुरू से चलना है शुरू से। अब मैं देख रहा हूँ क्या जो बी है इसका फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा है, नहीं जी नहीं है, जो ए है फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा है, नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्ट्रिंग आया है जिसको हमने मॉडिफाई किया है, इसमें जहां जहां हमारा अगर हैश टैग है उसको भगा देना है, या फिर जहां जहां हैश टैग नहीं है ऐसा कहें, जहां जहां हैश टैग नहीं है उस एलिमेंट को पकड़ना है और उसको एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देना है, तो बी ए हमारा बच गया। और एक बात, अगर हमारा डायरेक्शन वन बचता, वन जैसे वन बच जाता तो तब मुझे रिवर्स करना पड़ता, जो आंसर था उसको रिवर्स करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ जीरो आ गया है जीरो, तो जीरो में हमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है तो हम बी रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन वन रहता तो वन के केस में हमें क्या चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमें फिर रिवर्स करना पड़ जाता। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हो जाएगा ओ अपेन, अगर मैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करूँ स्पेस तो हो जाएगा कितना ओ अपेन, क्योंकि हमने मैप कैच किया, अगर मैं फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करूंगा तो ओ अपॉन हो जाएगा स्पेस। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ ताकि चीज़ें और समझ में आए। और उससे पहले अगर आपको सी प्लस प्लस एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है एकदम इंट्यूशन के साथ, तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, हमने काफ़ी डेडिकेटेड एक कोर्स बनाया है, आप इस पर सी प्लस प्लस मास्टरी लिख कर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ 61 मॉड्यूल्स देखने को मिलेगा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। सी प्लस प्लस का जितना भी टॉपिक है, सिलेबस से लेकर जितना भी टॉपिक एग्जिस्ट करता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जितना भी सिलेबस है सबको काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाया गया है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल और रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपको सी प्लस प्लस लर्निंग को बिल्ड करने में। मतलब यार 61 मॉड्यूल से मजा जाएगा पढ़ने के बाद, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहुत सारा यहाँ FAQs है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प करेगा आपके करियर में। अब मैं चलूंगा इसका सोल्यूशन की तरफ। हमने क्या किया है, एक मैप का यूज किया है, मैप हमने हर एक एलिमेंट फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया है, एक लेफ्ट पॉइंटर रखा है, एक राइट पॉइंटर और एक डायरेक्शन रखा है। जब अगर हमारा लेफ्ट लेस इक्वल टू राइट है, अगर डायरेक्शन हमारा जीरो है, अगर जो हमारा मैप का जो जो हमारा एलिमेंट है जैसे ए बी, हमारा क्वेश्चन क्या है मैं देख लूंगा अभी, क्वेश्चन है ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, अगर जो हमारा लेफ्ट है मतलब जो इसका एलिमेंट है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी वन है तब तो भाई लेफ्ट को ऐसे ही प्लस प्लस कर दो, जैसे यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, लेकिन वन तो है नहीं, एक से ज़्यादा बड़ा है, जब एक से ज़्यादा बड़ा है तो जो इसका फर्स्ट अक्रेंस है, फर्स्ट अक्रेंस इसको हैश टैग से रिप्लेस कर दो, और डायरेक्शन को क्या कर दो, डायरेक्शन को कर दो पहले जीरो था तो वन कर दो, ठीक है वन कर दो। अब क्या करना है, फिर हमारा लेफ्ट लेस इक्वल टू राइट हो जाएगा, जब लेफ्ट प्लस प्लस हमने कर दिया है, ठीक है लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया तो लेफ्ट आ जाएगा, फिर चेक करना है, अब लास्ट से चेक करना है, क्योंकि एक बार करने के बाद मुझे रिवर्स कर देना था, एक बार करने से मुझे रिवर्स कर देना था, तो अब मुझे क्या करना है, अब हमारा जो डायरेक्शन है वन हो गया, तो इस केस में डायरेक्शन इक्वल टू जीरो इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, इसमें जाकर चेक करेगा जो हमारा राइट वाला एलिमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी वन है, मतलब जो बी है एक बार आ रहा है, नहीं जी एक बार नहीं है, जब एक बार नहीं आया है तो फिर एल्स में जाएगा, और इसके फर्स्ट अक्रेंस को क्या करेगा, इसके राइट को तो माइनस माइनस करेगा ही, और इसके फर्स्ट अक्रेंस को क्या करेगा, जो इसको जो बी है इसको हैश टैग में कन्वर्ट कर देगा, और बीच में दो स्पेस अभी खाली है, ठीक है, और फिर डायरेक्शन क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो कर देगा, फिर यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ डायरेक्शन के लिए जीरो है, जीरो है, तो फिर यहाँ चेक करेगा क्या जो इसका अक्रेंस है बी का वो एक बार ही है, हाँ एक बार ही,
जब एक बार ये है तो लेफ्ट प्लस प्लस कर देगा, लेफ्ट प्लस प्लस, और बी को सिंपली यहाँ रख देगा, और फिर क्या करेगा डायरेक्शन कर देगा वन, लेफ्ट को सिर्फ प्लस प्लस करेगा, सिर्फ लेफ्ट प्लस प्लस करेगा, क्योंकि एस में तो जाएगा नहीं, एस में नहीं जाएगा, तो फिर हमारा लेफ्ट लेस इक्वल टू राइट, लेफ्ट लेस इक्वल टू राइट, हाँ है। अब फिर चेक करेगा क्या जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन है, तो फिर लेफ्ट प्लस प्लस करेगा, और जैसे ही यहाँ लेफ्ट प्लस प्लस करेगा तो इसके बाद जो कंडीशन में जाएगा तो लेफ्ट लेस इक्वल टू राइट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो सीधे नीचे गिर जाएगा यहाँ। और यहाँ चेक करेगा जहाँ जहाँ हैशटैग नहीं है, और यहाँ तो यहाँ जहाँ जहाँ हैशटैग नहीं है, हैशटैग कहाँ नहीं है, बी और ए में नहीं है, इन दोनों को क्या करेगा रिजल्ट में ट्रू कर देगा। और अगर डायरेक्शन हमारा जीरो रहता है, जीरो जैसे डायरेक्शन हमारा जीरो है, तब तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, इसी को बी ए को रिटर्न कर देंगे, बी ए को। लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन वन हो जाता है वन, तो वन के केस में हम क्या कर रहे हैं इधर उल्टा जा रहे हैं, तो इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अगर लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पीछे करना है, फिर से देखना है, ड्राई रन करना है, तभी समझ में आएगा, और सेम टू सेम यही कोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जावा में। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो मैंने आपको बताया ही है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, और आप इसी प्लस प्लस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, चलूंगा और 1 मिनट मैं आपको दिखाऊंगा, मैं क्रोम में आ गया हूँ और मैं आपको इसका सी प्लस प्लस और जावा दोनों का कोड दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए समझ में आ जाए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान। मैं क्या करूँगा इसे सबमिट कर दूँगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हैं कोर्स के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जावा का कोड आपको यहाँ दिखाऊंगा, और जावा का ये हमारा कोड है, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं जल्दी से रन कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपको जितना हो सकता है उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आप सी प्लस प्लस इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, अगर आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है, समझ में कहीं नहीं आया है, तो काफ़ी सस्ता में हमने कोर्स को निकाला है। कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।